देश के हर कोने में गणपति उत्सव की धूम रहती है, और जब बात बप्पा की हो तो मोदक की क्यों ना हो। तो आइए आज सीखते हैं मोदक बनाना, लेकिन वो भी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब जो झटपट बन जाए, जिसमें बहुत ज्यादा तैयारी ना करना पड़े और बहुत ज्यादा कुक ना करना पड़े। तो चलिए बनाते हैं चार तरीके के इंस्टेंट मोदक। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्ट इन माउथ, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बनाते हैं चोको ब्रेड मोदक। इसके लिए हमने व्हाइट चॉकलेट लिया है, व्हाइट ब्रेड लिया है और कुछ टूटी फ्रूटी लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड के साइड्स को हटा देंगे और फिर हम इसे छोटे पीसेस में करके ग्राइंड करेंगे, यानी मिक्सी में चलाएंगे। अब हम डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट के साथ एक टीस्पून बटर और लगभग दो टीस्पून दूध डाल दें। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। धीमी आंच पे चलाते हुए चॉकलेट को मेल्ट करें। आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट की जगह मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट जब मेल्ट हो जाए तो उसमें ब्रेड क्रम्स डालें, जो ब्रेड हमने ग्राइंड करके रखी थी। इसे आधा आधा करके डालें और मिक्स करते रहें। इसमें आप एक चम्मच के लगभग कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, इससे मोदक की मिठास थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मोदक के मोल्ड को ग्रीस कर लें। थोड़ा सा उस पे बटर या घी लगा लें। चॉकलेट ब्रेड के मिक्सचर को मोल्ड में डालें, प्रेस करके थोड़ा सा उसमें टूटी फ्रूटी डालें और ऊपर से कवर कर दें। लीजिए, हमारे चोको ब्रेड मोदक तैयार हैं। इसे डेकोरेट करें, केसर डालें, रोज पेटल डालें या कोई स्प्रिंकल डालें। दूसरा हम बनाते हैं डेट्स ड्राई फ्रूट मोदक। इसके लिए हमें डेट्स चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए। ड्राई फ्रूट जैसे हमने बादाम, काजू और अखरोट लिया है। आप चाहें तो इसमें अंजीर या पिस्ता भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पीस करके उसका पाउडर बना लें और फिर उसी जार में डेट्स को पीसें। डेट्स अगर आपके बहुत सूखे हुए हों तो उसे 30 मिनट के लिए पहले पानी में भिगो दें, फिर उसके बीज निकाल करके उसे मिक्सी में चलाएं। ध्यान रहे, मिक्सी में चलाने के समय पानी का इस्तेमाल ना के बराबर करें। अगर बहुत दिक्कत हो रही हो तो सिर्फ एक टीस्पून ही पानी डालें, वरना आपके मोदक बहुत गीले हो जाएंगे, जो मोल्ड में फिर सेट नहीं होंगे। यहाँ पोस्ता दाना डालने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर को मोल्ड में डालें और लीजिए, हमारे डेट्स ड्राई फ्रूट मोदक तैयार हैं। तीसरा हम बनाते हैं रोज मोदक। इसके लिए हमने नारियल पाउडर, रोज सिरप और कंडेंस मिल्क लिया है। अगर आपके पास रोज सिरप ना हो तो आप रूह अफ़ज़ा भी यूज कर सकते हैं। नारियल पाउडर, रोज सिरप और कंडेंस मिल्क को आपस में अच्छे से मिला लें और मोल्ड को ग्रीस करके उसमें इसके छोटे छोटे पोर्शन डालें। अगर आपके पास गुलकंद हो तो रोज मोदक के सेंटर में उसे जरूर डालें। लीजिए, हमारे रोज मोदक तैयार हैं। इसे गुलाब की पत्तियों से सजाएं और बप्पा को परोसें। चौथा हम बनाते हैं ओरियो मोदक, जो बच्चों की जरूर फेवरेट होती है। इसके लिए हमने ओरियो बिस्किट लिया है और कंडेंस मिल्क। ओरियो बिस्किट के दोनों पार्ट्स यानी बिस्किट और क्रीम को अलग कर लें और बिस्किट को ग्राइंड कर लें।
इसमें कंडेंस मिल्क डालें और उसे मिक्स कर लें। इन चारों मोदक में से जो अलग अलग फ्लेवर के हैं, आपको उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपने उसे बनाया या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। बिस्किट का डो बनाने के बाद हम इसके क्रीम को भी अच्छे से मैश करके उसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जिससे इसे मोदक में फिल करना आसान हो जाएगा। मोल्ड में पहले हम डो को फिल करेंगे, फिर फिंगर से स्पेस करके उसमें क्रीम को फिल करेंगे और ऊपर से मोदक को कवर कर देंगे। लीजिए, हमारे ओरियो मोदक तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।